हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। यार आज का टॉपिक है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग यार डिटेल में जानेंगे कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ सको। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके थ्योरी के लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आप एग्जाम पर्पज या आपने कोई भी असाइनमेंट जीडीज पीपीटीज किसी भी पर्पज से आप उसको रेफर कर सकते हो। तो चलो यार फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। भाई सिंपल सिंपल पॉइंटर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप एग्जाम पर्पस से अगर आप अपने 11th 12th में हो तो आप लिख पाओ। लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप चाहे ग्रेजुएशन में उसको दोबारा पढ़ो चाहे आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दोबारा पढ़ो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर रहे। आपको यार बार बार रट करके लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है तो चलो समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट का मतलब। ठीक है सेलिंग और मार्केटिंग क्या क्या स्टैंड करता है मीनिंग क्या है इन दोनों का सेपरेटली ये पहले सबसे पहले क्लियर करते हैं। ठीक है तो सेलिंग क्या है भाई। सेलिंग इज डायरेक्टली सेल करना। ठीक है कोई भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है उसको वो सेल कर रही है तो दैट इज सेलिंग। ठीक है व्हाट डज इट इन्वॉल्व भाई। सेलिंग इन्वॉल्व ओनली लुकिंग आउट थ्रू एनी मैटर्स दैट इन्वॉल्व सेल्स। ठीक है सेल्स करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगा वो आप लुकआउट करते हो सेलिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है यानी कि कोई भी कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट रख रही है ठीक है वो सेल करने के लिए आपको मान के चलो कि 100 रुपए का सामान है मान के चलो आपको 150 रुपए में डिस्काउंट करके 130 रुपए में दे रही है और उसका पर्सपेक्टिव है बस कि आप खरीदो। ठीक है देन दैट इज सेलिंग। मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग एक होल बड़ा टॉपिक है सेलिंग भी उसके अंदर आता है। ठीक है तो मार्केटिंग इज मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट इनिशिएट्स योर कस्टमर्स टू बाई योर कंपनीज प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन। यानी कि आपको बेचना नहीं पड़ रहा है। सेलिंग इज हार्डकोर सेलिंग। आप बेचो आप सेल्स पर्सन को भेज रहे हो लोगों के घर पर नॉक नॉक करके कि हाँ सर हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है कि आप लेना चाहोगे दैट इज सेलिंग। आपका बंदा खुद जा रहा है लोगों के पास कस्टमर्स के पास अपना प्रोडक्ट लेकर के कि सर ये हमारा प्रोडक्ट ले लो। मार्केटिंग क्या प्रोसेस रेफर करता है। मार्केटिंग डज सच एक्टिविटीज और सच थिंग्स जिससे कि लोग आपके पास आए कि भाई अच्छा तुम्हारा ये प्रोडक्ट था ना लो मेरे को जरूरत है लो मेरे को दे दो दैट इज मार्केटिंग। सेलिंग वाइज वर्सा भाई यहाँ पे कस्टमर के पास आदमी को खुद जाना पड़ रहा है। मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वो सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे कि आपको एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सके ब्रांड आइडेंटिटी जो कि कस्टमर्स को फ्यूचर में भी आपके बार बार बंदे को घर पे नहीं जाना पड़े बंदा खुद खोजते हुए कि हाँ भाई चलो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था अब मेरे को बताओ कैसे कहाँ दोबारा मिल सकता है मेरे को। ठीक है तो ये सिंपल मीनिंग है आपको सेलिंग और मार्केटिंग का। तो चलो यार फिर जल्दी से हम लोग अब पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि अगर आप अपने एग्जाम पर्पस से लिख रहे हो तो आप उसको कैसे डील आउट कर सकते हो। ठीक है या फिर अगर आप पीपीटीज में असाइनमेंट्स में भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो भी ये प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है तो अब समझते हैं सबसे पहला भाई मीनिंग का ही डिफरेंस आता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई सबसे पहला आपका डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग का मीनिंग है। ठीक है सेलिंग का मतलब क्या है भाई। सेलिंग का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ हार्डकोर सेल्स प्रोसेस जिसमें कि बंदे को जबरदस्ती आप बेचने का ही कोशिश करते हो। बल्कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट का अच्छाई बताते हो या मार्केट करते हो इन सच अ वे जिसमें कि लोग आपको खोजते हुए ना कि आपको बार बार सेल्स के लिए जाना पड़े। ठीक है सेकंड पॉइंट होता है भाई कि आप इट इज अ सेलिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस बल्कि मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और अ लॉन्ग टर्म गोल यू कैन ऑल्सो से। ठीक है यानी कि भाई सेल्स सेलिंग क्या है। सेलिंग इज जस्ट लाइक कि भाई कंपनी को 100 सेल्स अचीव करने हैं तो उसने सेलिंग का प्रोसेस शुरू किया 100 सेल्स अचीव हुए एंड इट्स ओवर। ठीक है लेकिन मार्केटिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि चलते रहता है हमेशा जब तक कंपनी चल रही है आप मार्केटिंग करते रहते हो। भाई एग्जाम्पल आप आईफोन का भी ले लोगे तो भी आईफोन भी अभी भी मार्केटिंग करता है इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जिससे कि वो बने रहे मार्केट में एंड वो पुराना नहीं हो ना ही लोग उसको भूल जाए। ठीक है अब घर घर जाकर के तो नहीं बोलता है वो सिंपल सी बात है एप्पल कंपनी की भाई लो मेरा आईफोन ले लो मेरा ये नया आईफोन आया मेरा नया आईफोन आया। ठीक है लेकिन वो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें कि लोग अपने आप ये क्रेज आ जाता है कि भाई वो अच्छा नया आईफोन आया हुआ है तो चलो उसको भी जाकर के चेकआउट करते हैं परचेज करते हैं। ठीक है नो लाइक भाई अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लेना चाहोगे तो भाई आप एलोन मस्क का ले सकते हो टेस्ला। तो एलोन मस्क भाई आपको मार्केटिंग पे एडवर्टाइजिंग पे लीस्ट एक्सपेंस करते हैं क्योंकि वो सारे जो पैसे है वो लेकर के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाते हैं। तो भाई लोग तब भी टेस्ला के बारे में कैसे जानते हैं क्योंकि उनके जो तरीके है ना बिना कॉस्ट मार्केटिंग के भी या उनको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई आओ मेरे सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट करो या मेरा स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट ट्राई करो या कुछ ऐसा। भाई वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी ऐसे मार्केट करते हैं कि एलोन मस्क के मार्केट होने के बाद उनके सारे ब्रांड्स भी मार्केट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है एग्जाम्पल के लिए आपको तो भाई याद होगा टेस्ला में ठीक है पत्थर कैसे फेंक के उन्होंने भाई अपनी कार के शीशे फोड़े थे। तो भाई इट वॉज ऑल मार्केटिंग। ठीक है अगर आप एक ऐसा वायरल मार्केटिंग का टेक्निक निकालते हो जिससे कि भाई आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओ
बिना कोई कॉस्टिंग के, तो भाई दैट्स द बेस्ट वे टू गेट वायरल, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे मीम्स मार्केटिंग है, वायरल मार्केटिंग आजकल चलते हैं, या फिर आप देखोगे ब्रांड्स को एड्स फाइट्स में घुसते हुए, जोमेटो ब्लिंकिट हो जाए, या फिर आप कर लो यार मर्को मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का फाइट भी जानता है भाई। तो सारे ही वो जो सारे टैक्टिक्स हैं सारे इसलिए होते हैं भाई ताकि आप अपने ब्रांड को फॉर एवर रिकॉग्नाइज करवा सको, ठीक है। सो दिस इज अगेन सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट भाई, एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होता है, और एक जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज है, और ये एक नैरो अप्रोच है, ठीक है, मतलब वाइड अप्रोच है, सॉरी। तो ये आपके कुछ बेसिक मतलब डिफरेंस निकल रहे हैं भाई पॉइंटर वाइज। आगे पॉइंटर्स पे आते हैं भाई, तो आगे डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे डिफरेंस आ जाते हैं भाई कि आप किस पे सेलिंग और मार्केटिंग किस किस पे फोकस कर रहे हैं। तो भाई सेलिंग पे सिंपल सी बात है, बंदे का फोकस है भाई कि सेल्स प्रॉफिट कैसे आ जाए, मेरा रेवेन्यू कैसे आ जाए, वो सेलिंग का फोकस है भाई। जबकि मार्केटिंग का फोकस है कि वो कस्टमर नीड्स को कैसे फोकस कर सके, ठीक है। ओवरऑल जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो पूरा रिवॉल्व अराउंड करता है भाई कि कस्टमर्स का जो नीड है ना वो कैसे फुलफिल हो, हाउ टू मेक दोज प्रोडक्ट जो कि बंदे को चाहिए, नॉट दैट प्रोडक्ट जो कि आपके पास है जो आप बेच रहे हो भाई। सिंपल सी बात है, सेलिंग हो जाता है भाई कि आपके पास एक प्रोडक्ट है आप वो बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज कि वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि बंदे को चाहिए, ठीक है, दैट इज अनदर डिफरेंस। एक और डिफरेंस आता है भाई कि आपका नीड का मतलब ये जो दोनों का पर्सपेक्टिव वो कहाँ शुरू होता है भाई। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग के प्रोसेस में सीधा मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हो जाता है कि भाई हमारे हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया प्रोसेस, ठीक है, वहीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब से हमने सामान बनाना शुरू किया तब से सेलिंग के बारे में सोचा जाना शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप मार्केटिंग के बारे में बात करोगे तो भाई तो मार्केट प्लेस है, रिसर्च से ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है। जहां से रिसर्च शुरू हो रहा है भाई कि बंदे को क्या चाहिए, बंदा क्या अब खोज रहा है, आईफोन में नया क्या खोजा जा रहा है, वो मार्केट प्लेस है, उस रिसर्च से ही आपका मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो भाई ये कुछ मेन डिफरेंसेस है हमारे सेलिंग और मार्केटिंग में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे यार क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन के भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां भी आप मुझे पर्सनली आकर के मैसेज कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय वंदे मातरम।